अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है लार्ज पोर्स के लिए, जिसे हम कहते हैं ओपन पोर्स के लिए। जैसे कि हमें पता है कि अब गर्मियों का मौसम आ गया और जैसे ही हमारा चेहरा हीट होता है तो ये पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, और जैसे ये पोर्स ओपन होते हैं तो हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जिस तरह के अब पोर है वो ओपन है, हमारे फेस के ऊपर पसीना आएगा तो हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स निकल सकती हैं, हमारी स्किन डल हो सकती है, और उसके बाद अगर हमारे लार्ज पोर्स हैं तो हमारी स्किन भी अच्छी नज़र नहीं आएगी। तो इन सब बातों का जो सलूशन है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलें आज की वीडियो तो लार्ज पोर से डील करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करना है। तो उसके लिए हम किसी भी क्लींजर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मेरे पास ये क्लींजर अवेलेबल है, तो मैं सबसे पहले अपने फेस को इसके साथ क्लीन करूंगी। मतलब ये क्लींजर का मैं अपने फेस पे इस्तेमाल करूंगी। आप कोई भी क्लींजर का इस्तेमाल कर सकती हैं जो भी आपके पास अवेलेबल। अब हम 3 to 4 मिनट के लिए अपने फेस को क्लीन करेंगे क्लींजर के साथ। अब हमने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, फेस पे क्लींजर अप्लाई कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है कि यहाँ पे मेरे पास टोमेटो जूस है और ये लेमन है। अब मैं इसके अंदर कुछ ड्रॉप लेमन के ऐड कर दूंगी। अब टोमेटो जूस और लेमन को ऐड करने के बाद इसको आपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, और तकरीबन 20 मिनट तक आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई रखना है, और उसके बाद आपने इस अपना चेहरा धो लेना है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और जो पोर्स हैं, जो लार्ज पोर्स हैं, वो श्रिंक हो जाएंगे बहुत हद तक। आप इसको डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन इसका इस्तेमाल करें। आपकी स्किन के ऊपर जितने भी दाने बनते हैं वो नहीं बनेंगे, आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपकी स्किन के अंदर शाइनिंग भी आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, इसको आप ज़रूर फॉलो करें और समर के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।